साल हो गए कुछ कुछ होता है के लिए रिलीज होकर, तो कुछ कुछ होता है का चक्कर ये था कि करण जौहर साहब मेरे सिस्टर से मिले और अलवीरा से, और उनसे कहा कि ये मेरी फर्स्ट फिल्म है, काजोल को साइन किया है, शाहरुख को साइन किया है, एक छोटा सा रोल है जो कि इम्पोर्टेंट रोल है जो कि कोई स्टार ही करेगा, और उसके लिए मुझे कोई स्टार मिल नहीं रहा है। मेरी सिस्टर अलवीरा ने कहा कि यू नो इज़ अ रियली गुड गाय एंड हिज फर्स्ट फिल्म एंड आई थिंक यू नो यू शुड हेल्प हिम आउट विद दिस फिल्म। और मुझे एक दिन करण जौहर साहब किसी पार्टी में मिल गए और मैंने उनसे कहा कि आई विल डू इट फॉर माई सिस्टर, फॉर टॉम अंकल, फॉर हीरो आंटी, फॉर करण जौहर, फॉर शाहरुख, आई डिड दिस फिल्म। एंड नॉट ओनली दैट, मुझे स्क्रिप्ट बहुत पसंद आई थी, प्रीटी इम्प्रेस्ड विद करण्स राइटिंग। करण बड़े ही क्लियर उस वक्त भी थे और बड़ी अच्छी पिक्चर बनाई, एक अलग किस्म की फिल्म थी, एक अपना सिग्नेचर स्टाइल, एक अलग ही टाइप का सिनेमा उन्होंने इस्टेब्लिश किया, और टुडे ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री। होस्टिंग भी करते हैं, राइटिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, तो आई थिंक करण जौहर टुडे इज़ द बिजीएस्ट मैन इन द फिल्म फ्रेटर्निटी। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर करण एंड आई एम happy to be a part of kuch kuch hota hai, and may this film remain an inspiration to all the young filmmakers, directors, and Shahrukh, love you, best of luck, and Karan, best of luck, and keep on doing great work, and someday work with me again. All right, give my love to your mom, take care, bye, see you, and I'll come over and see the kids. Bye.